85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और एक केंद्रीय विद्यालय को एक्सपैंड करने का आज अप्रूवल मिला है और अप्रूव्ड अमाउंट है केंद्रीय विद्यालय के लिए जो आज के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है 5872 करोड़। 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे जिसमें 15,680 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हर साल उनको बेनिफिट मिलेगा। 1,316 रेगुलर पोस्ट क्रिएट होंगी और इसके लिए 2,360 करोड़ रुपीस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। आज कैबिनेट में जो बड़े फैसले लिए गए वो आपके सामने रखे जाएंगे। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे नौजवान साथियों के लिए, युवक युवतियों के लिए लगातार नए से नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के प्रोग्राम्स लाते हैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों का काम भी देखें तो 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा के कार्यक्रम ऐसे लाए गए हैं जो कि हमारे यंग सिटीजन्स के लिए हैं। बहुत ही सोचे समझे वेल थॉट थ्रू प्रोग्राम्स लाए गए हैं जो कि हमारे यंग सिटीजन्स के लिए। आज उसी कड़ी में बहुत बड़ा फैसला लिया गया नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने का। 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और एक केंद्रीय विद्यालय को एक्सपैंड करने का आज अप्रूवल मिला है और इसमें केंद्रीय विद्यालय में 82,560 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। नया एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, 5,388 रेगुलर जॉब्स क्रिएट होंगे इसमें और अप्रूव्ड अमाउंट है केंद्रीय विद्यालय के लिए जो आज के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है 5,872 करोड़। बहुत लंबे टाइम के बाद में इतना बड़ा केंद्रीय विद्यालय का एक्सपेंशन का प्रोग्राम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है और साथ ही साथ 28 नवोदय विद्यालय, आप सब जानते हैं नवोदय विद्यालय जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में टैलेंटेड बच्चों के लिए स्कूल्स हैं जिसमें बहुत फोकस्ड वे में टैलेंटेड बच्चों का डेवलपमेंट किया जाता है उसमें 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे जिसमें 15,680 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हर साल उनको बेनिफिट मिलेगा। 1,316 रेगुलर पोस्ट क्रिएट होंगी और इसके लिए 2,360 करोड़ रुपीस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का मिला के 8,232 करोड़ रुपीस हैव बीन सैंक्शनड बाय द कैबिनेट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टुडे फॉर ओपनिंग अप केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय। वन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पीएम श्री माननीय प्रधानमंत्री जी के सेकेंड टर्म में लाया गया था और उसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को एग्जाम्पलर स्कूल्स के हिसाब से सारे के सारे केंद्रीय विद्यालय और सारे नवोदय विद्यालय को पीएम श्री स्कूल्स में डेजिग्नेट किया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का वहां पे एक तरीके से मॉडल बने सो दैट अदर स्कूल्स कैन स्टार्ट फॉलोइंग दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये बहुत बड़ा आज फैसला लिया गया जो कि जैसा आपने देखा यंग सिटीजन्स के लिए जो इतने सारे कार्यक्रम बने, विज्ञान धारा हो, प्राइवेट FM रेडियो से नई अपॉर्चुनिटीज बनाना हो, सेमीकंडक्टर यूनिट से नए अपॉर्चुनिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, फिर बायो E3 से टोटली एक नया देश में बायो मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम, फिर स्पेस सेक्टर, विद्यालक्ष्मी, अटल इनोवेशन मिशन का एक्सपेंशन और एग्रीकल्चर एजुकेशन और उसके लिए जो डिजिटल बनाया, फिर बायो राइट स्कीम, फिर प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान में यूथ के लिए और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके कड़ी में आज ये बड़ा फैसला लिया गया। ये लिस्ट है कौन से स्टेट में नए केंद्रीय विद्यालय और नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, ये लिस्ट आपके साथ शेयर होगी तो काफी देश भर में है फैला हुआ काम इसमें और अच्छा काम है।